सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फार्मा पैकिंग जॉब इन हैदराबाद। दोस्तों, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं हैदराबाद लोकेशन से अगर आप हो तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है, या फिर अदर लोकेशन से भी हो तो वीडियो पूरा देखो ताकि आपको हर एक नॉलेज मिल सके जो हम आपके साथ में शेयर करने वाले। दोस्तों, सैलरी की बात की जाए तो सैलरी हैदराबाद लोकेशन में बहुत हाई होते हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। आप अगर जाके एक हेल्पर का भी काम करते हो तो आपको पता चल जाता है वहां पर सैलरी कितने अच्छे खासे रेंज में मिलते हैं। एज ए कंपेयर करो तो बैंगलोर लोकेशन में जितना सैलरी प्रोवाइड होता है उतना आपको हैदराबाद लोकेशन में आपको 100% प्रोवाइड हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो जॉब होने वाला है ये फार्मा पैकिंग कंपनी है, फार्मा का पैकिंग कंपनी जिसमें मेडिसिन मैन्युफैक्चर होते हैं। देखिए, मेडिसिन का बहुत बड़ा कंपनी है ये, बोले तो 1 किलोमीटर अराउंड में ये कंपनी है, मैंने देखा है, वो एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। तो वो कोमपल्ली लोकेशन हैदराबाद में, कोमपल्ली आप जानते होंगे सिकंदराबाद से नजदीक में ही पड़ता है, तो कोमपल्ली लोकेशन में ये जॉब होने वाला है। क्या प्रोवाइड होने वाले हैं? देखिए, ये सबसे पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्टर बेसिस जॉब होता है, डायरेक्टली आपको कंपनी में नहीं हायर होता है। कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 10 कैंडिडेट उसमें काम करवा रहा है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर कॉन्ट्रैक्टर बेसिस जॉब है तो इसमें सैलरी का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं, सैलरी का कोई लोचा नहीं। आप जाओगे, काम करोगे, आपको 110% सैलरी मंथली टू मंथली मिलेगा। और बात करो सैलरी की कब मिलती है, तो सैलरी का भी हम फुल्ली डिटेल्स जान लेते हैं, पहले सैलरी का ही जान लेते हैं फिर वर्क प्रोफाइल हम पूरा बताएंगे। देखिए, जो सैलरी होने वाला है ना, सैलरी एज ए फ्रेशर्स, आप जाते हो, फ्रेशर्स कैंडिडेट हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप वहां पर जाते हो तो आपको 10,500 रुपीज सैलरी मिलती है, प्लस रूम मिलती है, प्लस 3 times फूड मिलती है। फूड बहुत अच्छा होता है, ये कोई कहने की बात नहीं है, गलत है उसको गलत बोलते हैं, लेकिन जो सही है वो सही है, 100% फूड बहुत अच्छा मिलता है। देखिए दोस्तों, ये जो जॉब है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट करते हैं और फीमेल का कोई प्रोसेस नहीं होता है। सैलरी भी हमने जान लिया, PF ESI का कोई प्रोसेस नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस जॉब है तो PF ESI नहीं करता है, वो आपको जो सैलरी प्रोवाइड कराते हैं 15 तारीख पेमेंट कराते हैं। सपोज दैट आप 1 तारीख को काम करने गए, 1 से 30 तक का आपका हिसाब होता है और 30 दिन का जो पेमेंट होता है वो 15 तारीख को आपको मिलता है। जान के सैलरी के बारे में अब जानते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन जो आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। देखिये, सबसे पहली बात, इसमें मेल कैंडिडेट का रिक्वायरिंग है, देखिये मतलब काम कहते हैं कि हार्ड है, हार्ड रहता है काम, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको फैसिलिटी बहुत मिलते हैं दोस्तों, अनबिलीवेबल, ऐसा कोई कंपनी में फैसिलिटी नहीं मिलता। 2 times आपको टी मिलते हैं, टी का 15 मिनट ब्रेक रहता है, मतलब 30 मिनट टी का 2 times का ब्रेक रहता है, हाफ आवर्स मतलब 30 मिनट का ही लंच ब्रेक रहता है, इसलिए आपको जो रहता है टाइमिंग वो 30 मिनट आपको टी ब्रेक मिलता है। और दोस्तों, काम सब कुछ अच्छे खासे है, ऐसा नहीं कि साफ हार्ड है, लो भी है, लेकिन आपको डिपेंड करते हैं, आप अगर उस चीज पे फोकस करते हो ना तो ज्यादा उस पे फोकस करने की सोच रखते हो तो उसमें ज्यादा सक्सेस मिलता है आपको। अगर आपको फोकस नहीं है काम पे तो आप सक्सेस नहीं हो, प्लीज आप जाओ मत, आपसे नहीं होने वाला है। अगर आप सोचते हो कि मुझे पैसों की जरूरत है और पैसों की जरूरत के लिए हम काम करेंगे तो यू आर सक्सेसफुल, आप किसी को भी बीट करके आ सकते हो, किसी को भी बीट करोगे, लेकिन आप वैसे ही जाते हो, इधर से दौड़ के उधर जाने वाले इंसान हो तो आप वहां पे भी सक्सेस नहीं हो, ये ठप्पा लग चुका है, मोहर लग चुका है आपके ऊपर कि आप भगोड़े इंसान हो। अगर कहीं पर भी आप काम करते हो तो पैसा मिलता है, और सपोज दैट वहां पर आपको फूडिंग अच्छा मिल रहा है, रूम अच्छा मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं करोगे, करोगे 100%। दोस्तों, काम कैसे मिलेगा, काम करने के लिए आपको एजेंसी में विजिट करना पड़ेगा, एजेंसी आपको कोई सर्च कर सकते हैं इंडीड एप्लीकेशन पे, बहुत सारे पैकिंग के जॉब के मिल जाते हैं। 1000 रुपीज चार्जेस कोई भी एजेंसी लेंगे, 100% जेन्यून काम देते हैं, लेकिन वही बोला सैलरी 15,000 वो बोलेंगे, लेकिन 10,500 जेन्यून सैलरी है जो मिलता है। ओके दोस्तों, बाय।